गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था, तो मैंने आपको एक लिस्ट बनाने के लिए दिया था कि आपको स्टेट्स की और उनके सीएम और उनके गवर्नर की लिस्ट बनानी है। तो आई होप उसको बनाया होगा आप लोगों ने, है ना? बनाया है, तैयार किया है ना? चलिए तो आज इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के साथ, मतलब इंडिया की ज्योग्राफी के साथ साथ एमपी की ज्योग्राफी के कंटेंट को भी साथ में लेके चलूँगा। मतलब इस क्लास के साथ ना आप एमपी की ज्योग्राफी भी ख़त्म कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले मैं भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊँगा, फिर मध्य प्रदेश के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊँगा। ऐसे साथ साथ हम चलते चलेंगे, ठीक है? क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले आज बेटा हम भारत के भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं। अब तक मैंने आपको कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बताई है, लेकिन अब हम उस कोर्स पर चल रहे हैं। जो डिटेल्स मैं आपको यहाँ बताऊँगा या जो डिटेल्स आपको लिखवाऊँगा, वो सारी डिटेल आपके लिए बेटा बहुत महत्वपूर्ण होगी। एग्ज़ाम में जो जो पूछा जाता है, मैं सब कुछ आपको यहाँ पर एलोबरेट करने वाला, ठीक है? तो बहुत ध्यान से एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए इन क्लासेस को लेते चलिएगा। आप एग्ज़ाम भविष्य में कोई भी दे लीजिए, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे लीजिए, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे लीजिए, या आपके जितने भी स्टेट के जितने भी कंसर्निंग एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स में ये लेक्चर आपको काम करेंगे, ठीक। सबसे पहले मैं टॉपिक कवर करूँगा, और टॉपिक कवर करने के बाद उससे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो करूँगा, और साथ ही मैं कोरिलेट करते हुए आपको टॉपिक बताता चलूँगा, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले आज इंडियन ज्योग्राफी का, राइट, या मैं आपको लिखूँ तो भूगोल, भारत के भूगोल का पहला पार्ट डिस्कस करने आ रहा हूँ। भारत का भूगोल, राइट। अभी मैंने कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन और आपको इस सब्जेक्ट से यूज़ टू करवाया है, क्या कहानी पूरी कैसे कैसे सब कुछ होता है, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये भारत के भूगोल का पहला भाग है। तो सबसे लिखिए भारत का भौतिक विभाजन, और मैंने आपको सबसे डे वन में बताया था कि भारत के भौतिक विभाजन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, भारत के भौतिक विभाजन में फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं नदन हिल एरिया, ठीक है? यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये सबसे पहला पार्ट आता है। और इसमें हम तीन पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, उसके बाद पढ़ते हैं हिमालय, और तीसरा पार्ट पढ़ते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमालय, और तीसरा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक। ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ये तीन पार्ट आता है फर्स्ट फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का पहला जो फिजिकल पार्ट है, ठीक है? मैंने आपको उस दिन बताया था भारत के फिजिकल पार्ट में क्या क्या बेटा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद उत्तर के विशाल मैदान, भारत के मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत और द्वीप समूह, बताया था ना मैंने आपको, ये बेसिकली पांच फिजिकल भाग थे। उसमें सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा है क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद इसमें कितने पार्ट पढ़ने हैं? ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमालय और तीसरा पूर्वोत्तर की पहाड़ी। तो अब मैं सबसे पहले आज के मैप में इन्हीं हिस्सों को दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। बहुत ध्यान से देखिए, पहले यहाँ समझ लीजिएगा, उसके बाद आप वापस से लेक्चर में इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक। तो देखिए
ठीक है। सबसे पहले बेटा देखो, ये भारत का फिजिकल मैप हो गया, राइट। और इस फिजिकल मैप में मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूँ जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, ट्रांस हिमालय। समझना ध्यान से, इसके पहले यहाँ पर एक पड़ता है बेटा जो भारत के क्षेत्र में नहीं आता, इसे कहते हैं पामीर। क्या कहते हैं बेटा? पामीर। एक्चुअल में कहते हैं इसको गांठ। क्या कहते हैं? पामीर गांठ। यह है क्या? पामीर का पठार। यहाँ शुरू होता है क्या? पामीर का पठार, जिसे संसार की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसार की छत, याद रखिएगा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत कहा जाता है इसे, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। देखो पहले समझ लो फिर लिखना। पामीर गांठ में तीन बेसिकली चोटियां या तीन श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं। सबसे पहले बेटा ये है हिंदुकुश। कौन सी? ये हिंदुकुश पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? हिंदुकुश। हिंदुकुश ये हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत किससे संबंधित है? अफगानिस्तान से, ठीक। और अफगानिस्तान में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, अफगानिस्तान में हाल ही में या वर्तमान में तालिबानियों का शासन चल रहा है। किसका चल रहा है? तालिबानियों का शासन चल रहा है। पढ़िएगा इनके बारे में, तालिबानी हैं कौन, ओसामा बिन लादेन कौन था, ठीक है, तालिबान कैसे बना या तालिबान का कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसमें अमेरिका और रशिया का क्या रोल है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसको आज तक कोई जीत नहीं पाया। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं और भौगोलिक विविधताकरण बड़ा कठिन है और बहुत रिच है मिनरल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी मिनरल को प्राप्त करने के लिए सबकी गिद्ध टाइप की नज़र होती है किसमें? अफगानिस्तान में, ठीक है। अगर आप महाभारत में जाएंगे तो गंधार, काबुल, गंधारी कहाँ की थी? गंधार, ठीक है। अगर रिलेट करेंगे तो ये भारत का पूरा हिस्सा हुआ करता था। अगर आप आर्यवर्त, जम्मू दीपे आर्यवर्ते भारत खंडे, आप पढ़ते हैं ना आर्यवर्ते जम्मू दीपे भारत खंडे, है ना, आप अपना जब डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। जब भी आप कोई मंत्र सुनते हो या कोई परिचय देने को बताते हो तो आर्यवर्ते भारत खंडे जम्मू दीपे भारत खंडे आर्यवर्ते, इस तरह से पूरी डिटेल आप देते हैं। तो याद रखिएगा हिंदुकुश, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से है। आज हम इसको अफगानिस्तान कहते हैं, आज इसका राजा कोई और हो सकता है, इसका किंग कोई हो सकता है, इम्पॉर्टेंट है। लास्ट जो इसके साथ एम्परर थे, एम्परर मतलब जो शासक थे, एम्परर नहीं कहूँगा, प्रधानमंत्री थे जो अफगानिस्तान के, उनका नाम था शायद अशरफ गनी। अशरफ गनी लास्ट थे, और अशरफ गनी को हटा करके, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अशरफ गनी को हटा करके तालिबानियों ने, जिस दिन भारत का 15 अगस्त हो रहा था, ठीक है, शायद उसी दिन अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया, ठीक। देखिएगा एक बार, सर्च करिएगा इनके बारे में, ये करंट है क्या सिचुएशन चल रही है अफगानिस्तान में, और उसके बाद वहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर सोसाइटी में। महिलाओं को वहाँ पर कॉलेज जाना बैन है, ठीक है। पहले तो क्या किया कि उन्होंने एक पर्दा लगा दिया, इस तरफ लड़के बैठेंगे इस तरफ लड़की, अब डिस्क्लोजर दे देंगे, जाएंगे ही नहीं, पढ़ाई नहीं हो सकती। तो ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन है अफगानिस्तान, याद रखिएगा। इधर देखो अफगानिस्तान में कौन सी पर्वत बेटा? हिंदुकुश। उसके बाद यहाँ से एक रेंज आती है, इसका नाम है सुलेमान। कौन सी? सुलेमान। सुलेमान रेंज है पाकिस्तान की। कहाँ की? पाकिस्तान की सुलेमान रेंज है, याद रखिएगा, सब पाकिस्तान की सुलेमान रेंज है। और यहाँ से आता है कुलनुंग सांग और टियांग सांग। कुलनुंग सांग और टियांग सांग, कुलनुंग सांग और टियांग सांग, याद रखिएगा, ये चीन की। ये कहाँ की बेटा? चीन की। तो इन पर्वतमालाओं का आपस में जहाँ मिलन होता है, इन पर्वतमालाओं का आपस में जहाँ मिलन हो रहा है, उसे कहते हैं पामीर गांठ। अपन गांठ नहीं मार देते, उस तरह से काल देखा जाता है, जब ऊपर से देखते हैं इसको तो लगता है कि पर्वत यहाँ पर ट्विस्टेड है, बंधे हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? पामीर गांठ, संसार की छत। कहते हैं पामीर के पठार को, गांठ को नहीं, किसको? पामीर के पठार। अब यहाँ से शुरू होता है बेटा असली कहानी, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से शुरू होता है हमारा प्यारा भारत। सबसे पहली रेंज जो आती है बेटा, इसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है इसका? काराकोरम। उसके बाद आती कौन सी?
लद्दाख, उसके बाद आती कौन सी, जास्कर, और यहाँ आती है कैलाश। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन सी हो गई, कैलाश। ये कैलाश वही है जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। ठीक है, हर साल भारत सरकार कुछ लकी लोगों को, लकी मतलब लोग अपना इच्छा जाहिर करते हैं, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगा करके सरकार के पास आवेदन करते हैं कि हमको कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाना है। लगभग एक व्यक्ति के यात्रा में 2 से 3 लाख रुपए खर्चा आता है। भारत सरकार इस यात्रा को करवाती है, और ये यात्रा कैसे जाती है तो दो रास्ते हैं, एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता यहाँ से, मतलब ये नेपाल से, नेपाल से चीन। कुल मिला के कैलाश मानसरोवर पर्वत कहाँ पर है बेटा, तिब्बत यानी कि चीन। तिब्बत किसका हिस्सा है, चीन। ठीक है, तो तिब्बत से ये यात्रा शुरू होती है, तिब्बत में ही कैलाश मानसरोवर पर्वत है। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके आप अप्लाई करेंगे, फिर एक लकी ड्रॉ निकलता है, उसमें से जिन लोगों का नाम निकलेगा उन्हीं लोगों को जाने का मौका मिलता है कैलाश मानसरोवर यात्रा में। ठीक है, कैलाश मानसरोवर में क्या बेटा, कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है, कोई मंदिर नहीं है वहाँ पर। कहते हैं कि कैलाश पर्वत शंकर भगवान का घर है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैलाश पर्वत को आज तक कोई फतह नहीं कर पाया। लोग 8,848.86 मीटर एवरेस्ट पर तो चढ़ गए, कुछ विकलांग चढ़ गए, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर पर जाकर झंडा लहरा नहीं पाया है। कहते हैं कि वहाँ पे कुछ रेडिएशंस की प्रॉब्लम है, जो चढ़ता है उसको रास्ता भूलने लगता है, तबीयत खराब हो जाती है। मतलब आप इसको आप आध्यात्मिक समझिए या जियोग्राफिकल कोई कहानी समझिए, लेकिन है तो है, आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत को फतह नहीं कर पाया है। ठीक, अब तक की प्राप्त जानकारियों के अनुसार लोग कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, तो कैलाश पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेटा ये पूरा समूचा क्षेत्र, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये समूचा क्षेत्र बेटा तिब्बत है। क्या ये समूचा क्षेत्र तिब्बत है, और तिब्बत को कह लो तो तिब्बत से ये किसका हिस्सा है, तिब्बत चीन का हिस्सा है। और तिब्बत एक ऐसी जगह है या ऐसा क्षेत्र है, बर्फ़ है, और बर्फ़ यानी कि ग्लेशियर है, और ग्लेशियर के पिघलने से ही नदियों का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है, नदियों का। तो दो महत्वपूर्ण नदी समझो, यहाँ पर देखिए आप लोग, एक नदी बेटा यहाँ से निकलती है, इसका नाम है सिंधु। कौन सी, सिंधु। और एक नदी निकलती है इधर से, मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। दोनों का उद्गम स्रोत एक ही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपनी भाषा में कि एक ही माँ की दो बेटी हैं, बस करवट बदल के लेटी है। ठीक, क्या है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र एक ही माँ की दो बेटी हैं, बस करवट बदल के लेटी हैं। सिंधु इस डायरेक्शन में जाती है और ब्रह्मपुत्र इस डायरेक्शन में जाती है। मतलब ये जो कैलाश का आसपास का पूरा क्षेत्र है या तिब्बत का जो पूरा आसपास का क्षेत्र है, ये नदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ सदा नीरा होती हैं। मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, हिमालय से जितनी नदियाँ निकलती हैं वो कैसी बेटा, सदा नीरा, यानी कि उसमें पानी की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि उनका सोर्स, उद्गम सोर्स क्या है, उनका उद्गम स्रोत है बर्फ, और बर्फ कंटिन्यूसली पिघलती है, और बर्फ के पिघलने से नदियों का उद्गम होता है, नदियों में पानी आता है। जबकि भारत की इधर नीचे की नदियाँ, मैं पढ़ाऊँगा आपको आगे चल के, उन नदियों का स्रोत बर्फ नहीं है, तो वो बरसाती नदी कहलाती हैं, उनमें वर्ष भर पानी नहीं होता। ठीक, तो अभी हम पहले रेंज देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये कौन सी हो गई हमारी, काराकोरम। कौन सी हो गई, काराकोरम। ठीक, उसके बाद ये कौन सी हो गई, लद्दाख। उसके बाद ये कौन सी हो गई, जास्कर। ये कौन सी हो गई आपकी, मैंने लिखवाया कैलाश। ठीक, ठीक है, समझ लीजिए फिर लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हाँ जी, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गाडविन आस्टिन केटू। यहाँ पर पाई जाती है केटू, कुछ इस स्थान पर केटू, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। इसी को कहते हैं गाडविन आस्टिन। क्या कहते हैं बेटा, गाडविन आस्टिन।
गार्डविन आस्टिन के टू 8611 मीटर। ठीक, मेरी बात ध्यान सुनो सब लोग, फिर नोट कर लीजिए, मैं हटाऊंगा नहीं इसको। ये बेटा आपकी गार्डविन आस्टिन के टू, भारत की सबसे ऊंची चोटी। मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने अभी हिमालय का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी का हिमालय से रिलेशन नहीं है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक समझ रहे हो? और भारत की सबसे ऊंची चोटी किस रेंज में पाई जाती है? कौन सी रेंज में पाई जाती है? रेंज मतलब किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी ही भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है गार्डविन आस्टिन केटू। ठीक, क्लियर है? तो मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी का रिलेशन हिमालय से नहीं है, क्योंकि अभी मैंने हिमालय का जिक्र नहीं किया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की या संसार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर। ठीक, अभी लिखवाऊंगा, अभी मत लिखो, हम पहले जो समझाने की कोशिश करो समझो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो भारत में नहीं है, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक, अभी आपको बताऊंगा आगे चल के कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिमालय में पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? तो अभी आप उस पर मत जाइए, बस इतना याद रखिएगा कि 8611 मीटर जो कौन सी है आपकी हिंदुकुश पर्वत, सॉरी ये आपकी गार्डविन आस्टिन के टू, जो कि काराकोरम रेंज में पाई जाती है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर मैं आपकी इसको लोकेशन बताऊं तो ये बेटा वर्तमान POK में है। कहाँ है? POK में है ना। ये कहाँ पर? अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाई जाती है, लेकिन है ये किसका हिस्सा? भारत का। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गार्डविन आस्टिन के टू 8611 मीटर। कहाँ पाई जाती है? काराकोरम रेंज में। कहाँ पाई जाती है? चलिए एक नाम और बेटा काराकोरम रेंज का, काराकोरम को कहते हैं उच्च एशिया की रीढ़। क्या कहते हैं बेटा? उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़, ठीक है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है किसे? काराकोरम रेंज। ठीक है, देखिए काराकोरम रेंज में, अभी मैं आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स लिखाऊंगा, काराकोरम रेंज में ही बेटा क्या पाया जाता है? काराकोरम रेंज में ही ना, ध्यान से देखेंगे हम लोग, मैं कल इसका डिस्क्रिप्शन पूरा लिखाऊंगा आप लोगों को और आप उसको नोट करते चलिएगा। काराकोरम रेंज में ही बेटा इधर पे देखोगे तो बहुत सारे ग्लेशियर्स पलते हैं। ठीक है, आपको मैं पढ़वाऊंगा, बियाफो, बाल्टेरो, सियाचिन, नुब्रा, ये सब ग्लेशियर यहाँ पर, ग्लेशियर मतलब बर्फ़ के पहाड़, समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन लिखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र, दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र, दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है? यह कहां पाया जाता है? दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है? यह कहाँ पाया जाता है? अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? देखो अब यहां समझो एक चीज और, प्लीज सभी लोग इधर देखिए, यहाँ देखो ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है, इस जगह से ही हम अफगानिस्तान से टच होते हैं। किससे टच होते हैं? अफगानिस्तान से टच होते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि ये तो POK हो गया है ना, ये एरिया चीन ने बेच दिया, सॉरी पाकिस्तान ने किसको बेच दिया? चीन ने, और ये एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, ये कौन सा हो गया? अक्साई चीन। क्या हो गया बेटा? अक्साई चीन, बताया था कल मैं आपको,
बताया था ना, ये कौन सा हो गया, अक्साई चीन, जो 1962 के बाद चीन ने हथियार रखा है। ये एरिया कौन सा हो गया, पीओके, जो 1947 से किसके पास है, मतलब जो युद्ध हुआ था आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और ये एरिया पाकिस्तान के पास नहीं था, तो ये कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसको दिक्कत हो रही थी, तो उसने इस एरिया को क्या कर दिया बेटा, चीन को बेच दिया, राइट। और चीन ने यहीं से अपना चाल चलना शुरू किया, उसने अपने शिनजियांग प्रांत से आई थिंक यहाँ से होते हुए एक रोड बनाना शुरू किया, वो रोड लगभग बन के तैयार है। और इसीलिए डेमोग्राफी चेंज हो रही है पाकिस्तान की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में चीनी बहुत सारे पहुंच चुके हैं, वहाँ के लोगों से विवाह हो रहे हैं, नए एक टाइप की नस्ल का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक, जो अमूमन देखने को नहीं मिलता था, राइट। चलें तो आगे बढ़ते हैं, काराकोरम के बाद अगली रेंज को जाती है बेटा लद्दाख, ठीक है। लद्दाख तक लोग घूमने जाते हैं, लद्दाख के थोड़ा नीचे आओगे तो आपने दो जगह सुनी होंगी, एक का नाम है गुलमर्ग और सोनमर्ग, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, लेह से लद्दाख को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है, लेह से लद्दाख को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है। ठीक है, आप लोगों ने वो थ्री इडियट मूवी देखी होगी, उसमें एक फुनसुक वांगडू का स्कूल देखा होगा आपको, आपको वहाँ पे रियल एक व्यक्ति मिलेगा, यहाँ पर रियल में एक व्यक्ति है, ठीक है, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। क्या नाम है? सोनम वांगचुक, ठीक है। सोनम वांगचुक जी का निवास यहीं पर है, ठीक है। क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। और लद्दाख में वास्तव में उनका वो स्कूल है, ठीक है, वास्तव में उनका स्कूल है, सोनम वांगचुक जी का स्कूल है। और हाल ही में अभी उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया है वहाँ से बेटा, पहले एक तो पहली बहुत रिमोट जगह है, बहुत ऐसी जगह जहाँ पर सब रह नहीं सकते, सब काम नहीं कर सकते, बहुत लो टेम्परेचर रहता है, बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया है। और जाहिर सी बात है, जब हम कहीं पर ये सोच लेते हैं कि हमको ये काम करना ही है, तो हम अपने हिसाब से परिस्थितियों को बदल देते हैं, परिस्थिति के हिसाब से बदलते नहीं बल्कि परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति हैं कौन? सोनम वांगचुक, पढ़िएगा उनके बारे में, उन्हीं का जिक्र है थ्री इडियट मूवी में, ठीक। आप समझिए, उन्होंने एक स्कूल बनाया है, वहाँ पर ये सारी टाइप की चीज़ें होती रहती हैं, ठीक। आप स्कूल का नाम सर्च करिएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, हाल ही में बेटा वहाँ पे उन्होंने लाई फाई टेक्नोलॉजी, मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में जा रहा हूँ, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको वो रटा रटाया ज्ञान नहीं बताना चाहता, जो अभी चल रहा है उससे रिलेट करके आप जानोगे ना, तो आपको GS कभी नहीं बोलेगा। देखिए, हम लोगों के यहाँ कम्युनिकेशन कैसे होता है, टावर के थ्रू। किसके थ्रू? टावर लगे होते हैं, उन्हीं टावर के बीच में हम होते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसमीटर रिसीवर, हमारा फ़ोन रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों का काम करता है, वैसे टावर ट्रांसमीटर रिसीवर का दोनों का काम करते हैं। अब जहाँ पर टावर लगाना संभव ही नहीं है, इतना ऊँचा पहाड़ है, वहाँ पर टावर लगाने जाएगा कौन, जहाँ पर -30 डिग्री -40 डिग्री टेम्परेचर है। तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ के ऊपर ही एक बेटा सिस्टम होता है जिसे लाई फाई कहते हैं, लाइट को ऐसे जलाते हैं बुझाते हैं, और इससे कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है, बहुत डिटेल में आप पढ़िएगा। तो अभी उन्होंने लाई फाई टेक्नोलॉजी से हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड डेवलप कर ली है अपने क्षेत्र में, अपने स्कूल के लिए, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी कहते हैं लाई फाई। हालांकि इस टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ गया था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई है, लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो पढ़िएगा और सोनम वांगचुक के बारे में पढ़िएगा, और फिर देखिएगा कि एक इंसान क्या कर सकता है, एक सिंगल व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर सकता है, इसको देखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, तो लद्दाख का वो क्षेत्र, लद्दाख बहुत खूबसूरत जगह है, घूम के आइएगा। और इसी से सटे एरिया में अभी हमारा गलवान वाला इशू हुआ था, तो क्वेश्चन लिखिए, गलवान वैली कहाँ है, जहाँ पर हाल ही में गलवान वैली कहाँ है, जहाँ पर हाल ही में
गलवान वैली कहाँ, जहाँ पर हाल ही में भारत और चीन के सेनाओं के मध्य झड़प हुई थी। एक क्वेश्चन और लिखिए फिर आप लोग, आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, बताइए। पाकिस्तान मैकमोहन, क्या नाम है? अब मेरी बात ध्यान सुना, जो मैकमोहन लाइन है आज आप लोग देखिएगा और ड्रॉ करके कॉपी में लाइएगा, एक्चुअल में मैकमोहन लाइन है कहां पर, मैकमोहन लाइन इधर पर पड़ती है कि इधर पर पड़ती है, ठीक है। पहली क्वेश्चन तो यही हो गया कि मैकमोहन लाइन है कहां पर। दूसरी इंफॉर्मेशन, मैकमोहन लाइन को ड्रॉ करना, दूसरा चीज सुनो, मैकमोहन जो एग्रीमेंट था, मैकमोहन सर मैकमोहन थे उस वक्त के ब्रिटिश अधिकारी, और जो एग्रीमेंट हुआ था वो तिब्बत से हुआ था, तिब्बत उस वक्त चीन का हिस्सा नहीं था, तिब्बत उस वक्त चीन का हिस्सा नहीं था, इसीलिए चीन कहता कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो तो तिब्बत से हुआ था। अब हम तो क्या हैं, अब चीन और इस वक्त तिब्बत हमारे हिस्से में है, तो हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानते, और इसीलिए डिस्प्यूट होता है कि अरुणाचल प्रदेश पर वो बार बार अपनी हकदारी शो करता है, बार बार कहता है कि अरुणाचल प्रदेश किसका हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। तो एक बार देखिएगा कि मैकमोहन लाइन कहाँ पर है, ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है बेटा अगली रेंज, क्या नाम है इसका, जास्कर। देखिए जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ना, वैसे वैसे हाइट में थोड़ी कमी होती चली जाएगी। अब मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ इसकी कहानी थोड़ी सी क्या है, हिमालय पर्वत के बारे में जब डिटेल बताऊँगा तो आपको समझाऊँगा। अब एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग आज का, फिर मैं ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको कल बताऊँगा। लिखिए आज का क्वेश्चन, लिखिए कश्मीर वैली, कश्मीर वैली यानी कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो देखिए घाटी है ना, इधर देखो तो एक पर्वतमाला ऐसी होगी और दूसरी पर्वतमाला ऐसी होगी, और इसके बीच का जो हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगी आपकी, घाटी। तो आपको बताना है कि दो किन दो पर्वतमालाओं के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक है, और मुख्यतः कौन सी नदी है ये भी डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक। तो चलिए आज से आपको इसको समझना है। सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा बेटा, क्या नाम इसका, ट्रांस हिमालय। इधर देखो सब लोग, ट्रांस हिमालय क्लास है ये आज। ट्रांस हिमालय में हमको सबसे पहले पढ़ना है, हम भारत के बाहर जाते हैं जो भारत की सीमा में नहीं है, तो ऊपर क्या पड़ता है बेटा, पामीर गांठ यानी पामीर नॉट में कितनी रेंज आके मिलती है, तो सबसे पहले हिंद कुश, दूसरी सुलेमान, तीसरी कुल्लू सांग और तियांग सांग, ये चार गांठें आकर जहां आपस में बंधती हैं इसे कहते हैं पामीर गांठ यानी संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर का पठार यहीं पाया जाता है। उसके बाद हम भारत के हिस्से में आते हैं, भारत की सबसे उत्तरतम, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन सी है, उसका नाम क्या है, काराकोरम, कौन सी, काराकोरम, ठीक है, उत्तरतम श्रेणी। देखो श्रेणी क्या होती है बेटा, लगातार इस तरह का पर्वत, चोटी क्या होती है इसकी, कोई ऊंची, सबसे ऊंची चीज क्या हो गई, चोटी, और ये पूरा चीज ऐसे लंबा सा फैला हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, पर्वत। छोटी स्थान को क्या कहेंगे बेटा, हम पहाड़, क्या कहेंगे, पहाड़। पर्वतमाला जब कह रहे हैं तो बहुत बड़े रेंज में, जैसे विंध्य पर्वतमाला बहुत दूर तक कोई फैला हुआ है उसे पर्वत, ये ऊंचाहरा का क्या कहते हैं हम लोग, पहाड़, एक ही ना ऐसे टिकला हुआ, ठीक, उसे कहते हैं पहाड़ या पहाड़ी, आप जो अभी देख लीजिए, ठीक है। रेंज मतलब होता है लगातार वाली, छोटी बड़ी लंबी, छोटी बड़ी लंबी, छोटी स्टेप्स, उसकी कोई सर्वोच्च ऊंची चोटी को कहते हैं पीक यानी कि उच्च चोटी, ठीक। तो ये देखो ये काराकोरम रेंज हो गई, ये सबसे उत्तर में है, है ना, कहाँ पर है, सबसे उत्तर में। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो गया बेटा, गाडविनास्टिन के टू ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, गाडविनास्टिन के टू ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते बेटा, उसके बाद क्या आता है, लद्दाख, उसके बाद जास्कर, यहाँ पर कौन सा है, कैलाश, और कैलाश कहाँ पर बेटा, तिब्बत में, और तिब्बत किसका हिस्सा है, चीन। तो देखिए काराकोरम लद्दाख जास्कर का हिस्सा तो भारत में है लेकिन लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं है,
ठीक है, लेकिन क्योंकि हमको ट्रांस हिमालय पढ़ना है इसलिए इसको हमको पढ़ना आवश्यक है। ठीक, याद रखिएगा कैलाश पर्वत तिब्बत में है और तिब्बत किसका हिस्सा है? चीन। तो अब बेटा इसके बाद जो शुरू होगा वो है हिमालय पर्वत। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस के आंसर देखिए, कल मैं इसकी थ्योरी आपको दूंगा और उसके बाद हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखिए इसके बाद, ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू। कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, प्लीज़ इसे लोगों तक पहुँचाइए अगर आपको हमारा प्रयास समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।